So let's of synchronization, which is called dining philosopher's problem. So there are four philosophers who are seated around a round table. Okay. So number of philosophers कितने हैं? N का value कितना है? हेलो, हाँ, n का वैल्यू कितना है? कितने फिलोसोफर्स बैठे हैं? चार। तो मेरा n का वैल्यू 4 है। अगर टेक्स्ट बुक में रहेगा n का वैल्यू 5, मतलब कितने बैठे हैं फिलोसोफर्स? 5। तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो n का वैल्यू अपने एग्जांपल में 4 है। तो चार फिलोसोफर्स बैठे हैं, तो हमने उनको इंडेक्स वाइज दे दिया, फिलोसोफर 0, फिलोसोफर 1, फिलोसोफर 2, फिलोसोफर 3। तो क्लॉक वाइज मैंने बैठा दिया उनको, ठीक है। और दोनों फिलोसोफर्स के बीच में ना मैंने रख दिया एक एक चॉपस्टिक, ठीक है। तो ये चॉपस्टिक 0 है, फिर ये चॉपस्टिक 1 है, ये चॉपस्टिक 2 है, ये चॉपस्टिक 3 है, ठीक है। तो ये डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम है। व्हाई इज इट नॉट डाइनिंग डॉक्टर्स, डाइनिंग इंजीनियर्स, डाइनिंग फुटबॉल प्लेयर्स? व्हाई नॉट? क्योंकि फिलोसोफर लोग सोचते रहते, क्या करते रहते, What do they do? Think, ठीक है। और अभी वो बैठे डाइनिंग टेबल पे, तो उनका काम क्या रहेगा? ईट। तो इनके अभी दो काम है, वो दिन भर सोचते रहते हैं, और अभी खाने का टाइम है, तो अभी खाना है ना। तो अभी अगर फिलोसोफर 0 है, उसको खाना खाना है, तो उसको कौन से दो चॉपस्टिक्स लगेंगे? हाँ भाई, 0 और 1। ओके, फिलोसोफर 1 को खाना खाना है तो, और फिलोसोफर 2 को खाना खाना है तो, और 3 को खाना खाना है तो, तो अगर मैं चॉपस्टिक को वेरिएबल आय दे दूं, क्या दे दूं वेरिएबल, तो उनको लगने वाली है चॉपस्टिक आई और चॉपस्टिक आई प्लस 1, है ना। जिस भी फिलोसोफर को खाना है, तो उसको चॉपस्टिक कौन सी लगने वाली है? तो अगर मेरा फिलोसोफर का वेरिएबल आई है, फिलोसोफर अगर आई है तो चॉपस्टिक कौन से लगने वाली है? चॉपस्टिक आई और चॉपस्टिक आई प्लस 1 ना, एंड क्या और बीच में, एंड। ओके, अभी वो लॉजिक है ना, यहां पर फेल होएगा। कहां फेल होगा लॉजिक? वो 3 के ऊपर जाके ये लॉजिक यहां पर फेल होएगा। देखो, ये लॉजिक अप्लाई करते हैं फिलोसोफर 0 पे, ठीक है। तो अगर आई का वैल्यू 0 है, तो कौन से चॉपस्टिक्स लगेंगे फिलोसोफर 0 को? हेलो, तो चॉपस्टिक आई और चॉपस्टिक आई प्लस 1 ना, तो चॉपस्टिक 0 चॉपस्टिक 1 है ना। ओके, अगर फिलोसोफर 2 है, लेट्स टेक फिलोसोफर 2, अगर आई का वैल्यू 2 है, तो उसको कौन से चॉपस्टिक लगेंगे? चॉपस्टिक 2 और 3 है ना, तो आई और आई प्लस 1 है ना। अब दिक्कत आएगी इधर, अगर फिलोसोफर 3 हो जाए, तो कौन से लगेंगे चॉपस्टिक उसको फ्री? इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से कौन सी लगेगी? 3 एंड आई। तो अगर फिलोसोफर आई है ना, आई का वैल्यू फिलोसोफर का है, तो फिलोसोफर अगर 3 है, तो चॉपस्टिक कौन सी लगेंगी? 3 और 4 तो है नहीं अपने पास। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्कुलर क्यू में। किसमें जाना पड़ेगा? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्कुलर क्यू, वो कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा अपने को अभी। तो उसमें जब हम इंक्रीमेंट करते हैं ना, इंक्रीमेंट, तो हम इंक्रीमेंट प्लस प्लस से नहीं करते सर्कुलर क्यू में, हम इंक्रीमेंट करते हैं। देखो, अभी ये 0 है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 1।
प्लस प्लस क्या हो जाएगा टू, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा थ्री। अब प्लस प्लस क्या आएगा वापस, तो उसको प्लस का फॉर्मूला है n इक्वल्स टू n प्लस वन मॉड फाइव, या जो भी मॉड साइज मॉड द, तो इंक्रीमेंट का लॉजिक क्या है सर्कुलर क्यू में, लीनियर क्यू में लॉजिक इंक्रीमेंट का है n प्लस प्लस, क्या है ये, जब आपकी क्यू सीधी है, एक सीधा सीधा वाला क्यू है, लीनियर क्यू जो क्यू है उसमें इंक्रीमेंट का लॉजिक क्या है n प्लस प्लस, सर्कुलर क्यू में इंक्रीमेंट का लॉजिक क्या है n प्लस वन मॉड द साइज। तो अगर आप जो है वो जीरो पे है, किधर है जीरो, तो जीरो से आपको वन पे जाना है, तो आपका n का वैल्यू क्या है जीरो है ना, तो क्या होगा जीरो प्लस वन कितना होता, जीरो प्लस वन कितना होता है एंड मॉड विथ फोर क्या मिलेगा आपको, वन मॉड फोर कितना मिलेगा, वन मॉड फोर इज फोर, वन मॉड फोर इज कैसे मालूम, वन मॉड फोर इज फोर कैसे होता, हम डिवाइड करेंगे तो जो सेकेंड नंबर है वो बाहर जाता है, फर्स्ट नंबर अंदर जाता है, तो फोर बाहर जाएगा और वन अंदर जाएगा। अब बोलो कैसे करेंगे इसको, फोर जीरो जा जीरो, तो रिमाइंडर क्या आया जीरो वन वन, तो फिर वो जीरो से वन पे जाएगा, किस पे जाएगा जीरो से वन, ओके वन से टू पे कैसे जाएगा, वन से टू पे अब वो वन पे आ गया, अब उसको टू पे जाना है तो कैसे करेगा, वन प्लस वन कितना होता, वन प्लस वन मॉड फोर कितना होगा, मॉड फोर क्यों कर रहा हूं, मॉड फोर में साइज कितना है सर्कुलर क्यू का, इसके लिए तो क्या होगा टू मॉड फोर कितना होगा, टू मॉड फोर टू, ओके वन मॉड फोर इज वन, सॉरी आई एम सॉरी, हाँ तो टू टू मॉड फोर कितना होगा, टू मॉड फोर वन कैसे होगा राजा, टू मॉड फोर टू होगा, ऊपर का देख रहा था, ऊपर चेंज किया तुमने, तो ये देख, तो ये देखिए टू मॉड फोर है, तो फोर जीरो जा जीरो, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा टू, तो वो टू पे आ जाएगा आगे बढ़ के, ऐसे अभी वो चला गया है थ्री पे, अब बोलो थ्री से वो क्या हुआ इंक्रीमेंट, व्हाट इज थ्री प्लस वन, फोर मॉड फोर कितना आता, हाँ अरे नॉनसेंस, कभी स्कूल गया था कि नहीं बचपन में, फोर मॉड फोर जीरो, जीरो होता, फोर मॉड फोर कितना होता मॉड, फोर मॉड फोर हाँ, तो फोर वन जा फोर, रिमाइंडर जीरो ना, मॉड रिमाइंडर देता ना आपने को, करे कितने अपने प्रोग्रामिंग में कितने बार, तो जीरो ही बोला ना मैंने, तो फोर बोला, अरे सर जीरो बोला, हाँ रिकॉर्डिंग में देख सब समझ में आ जाएगा, तो फोर वन जा फोर और रिमाइंडर क्या आएगा जीरो, तो ऐसे फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा, समझा, क्यों अगला वाला जीरो है, आ रहा समझ में तुम लोगों को, तो इंक्रीमेंट का लॉजिक क्या रहेगा, इंक्रीमेंट का लॉजिक n प्लस वन मॉड विद द साइज, अंडरस्टूड, तो ये नहीं रहेगा, तो उसको कौन सा फ्री चाहिए, उसको फ्री चाहिए i और प्लस वन वाले, क्या रहेगा प्लस वन के लिए क्या रहेगा, i प्लस वन मॉड विद फोर, साइज साइज फोर है ना, तो जिस भी फिलोसोफर को खाना है उसको ये दो चॉपस्टिक फ्री होना चाहिए, एक तो चॉपस्टिक आई और एक चॉपस्टिक है ना, तो और
फिलोसोफर के दो काम क्या है? फिलोसोफर के दो काम क्या है? सोचना और खाना। सोचना और खाना। तो अगर जब वो खा रहा है तो सोचेगा क्या? और जब सोचेगा, जब खाएगा नहीं। तो ऐसे ही हमको सिंक्रेट, देखो इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल सोल्यूशन है। तो अपन ऐसा कर देंगे, वाइल ट्रू क्या कर देंगे, तो अगर उसको खाना है तो क्या करेगा, ये चॉपस्टिक और ये चॉपस्टिक ले लेगा ना, तो वेट कर देगा, वेट चॉपस्टिक आए और कौन सी आई प्लस वन मॉड साइज। मॉड अब इसमें क्या है, फोर है ना अपने एग्जांपल में, तो वो उनको उनको वेट कर देगा, उनको वेट करेगा तो वो ईट कर सकता है ना। जब उसका ईटिंग कंप्लीट हो जाए तो क्या कर देगा, फिर चॉपस्टिक को रख देगा ताकि कोई दूसरा खा लेता उसको, तो क्या कर देगा, उसका सिग्नल कौन सी चॉपस्टिक, तो कौन सी चॉपस्टिक यूज किया उसने, आई ने यस। और जब उसने वो छोड़ दिया फिर वो क्या करते बैठेगा, सोचते बैठेगा। तो ये उसका क्रिटिकल सेक्शन। समझ में आया? तो ये उसका एक हाइपोथेटिकल सोल्यूशन है, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर सबको, चारों को एक साथ भूख लगी तो क्या होगा? तो इसके लिए ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल सोल्यूशन है ऐसा। तो वो क्या करेगा, जो चॉपस्टिक आई एंड चॉपस्टिक आई प्लस वन मॉड फोर को वेट कर देगा ताकि कोई और नहीं खाए उससे, और फिर वो ईट करेगा। जब उसका ईटिंग हो जाएगा तो उन दोनों को सिग्नल कर देगा ताकि दूसरे खा सके उससे, है ना। ये है डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। देखो तो ये उन लोगों ने इधर एग्जांपल दिया है बुक का बना के, है ना। तो यहां पर एन कितना है, यहां पर एन कितने फिलोसोफर्स बैठे हैं, पांच। तो यहां पर के एग्जांपल में पांच आएगा, दिख रहा है। तो क्या करेगा, वेट किसको करेगा, वेट चॉपस्टिक आई को, और चॉपस्टिक आई प्लस वन, और फिर क्या करेगा, ईट। फिर क्या करेगा, चॉपस्टिक आई और आई प्लस वन, और क्या करेगा फिर, थिंक। और ये काम चलता रहेगा वाइल लूप में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दो नेबर साथ में नहीं खा सकते। इससे हमेशा क्या मिलेगा अपने को, कि दो नेबर कभी भी एक साथ में नहीं खा सकेंगे, क्योंकि नेबर दोनों शेयर कर रहे हैं ना एक एक उसको, चॉपस्टिक शेयर कर रहे हैं। तो अगर ये चॉपस्टिक है ना, ये क्रिटिकल सेक्शन है, क्या ये, ये चॉपस्टिक है ना, ये वाली चॉपस्टिक, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन। क्योंकि अगर आई खा रहा है तो आई प्लस ये वाला, अगर ये फिलोसोफर ये चॉपस्टिक यूज कर रहा है तो ये यूज नहीं कर सकता। तो उसको अगर ये चॉपस्टिक यूज करने तो पहले उसको लॉक करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाने के बाद लॉक रिलीज करना पड़ेगा ताकि ये खा सके, समझा। तो ये है डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम।